तेरे ही नाम से हर पैदा है, तेरे ही नाम तक हर इंतहा है। तेरी हम्द और सना अल्हम्दुलिल्लाह के तू मेरे मोहम्मद का खुदा है। अल्लाह ये जमी जब न थी, ये जहां जब न था, ये जमी जब न थी, ये जहां जब न था, चांद सूरज न थे, आसमां जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, जब न था कुछ यहां, जब न था कुछ यहां, था मगर तू ही तू। अल्लाह 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 रुपिया इब्ने हैदर ने जामे फना, रुपिया इब्ने हैदर ने जामे फना, खाल खिंचवाई तब ऐसे ने क्यों भला, तार पे चढ़ के मंसूर ने ये कहा, तार पे चढ़ के मंसूर ने ये कहा, सपना के खिलौने, सपना के खिलौने खेलता तू ही तू। अल्लाह 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 इसको कहते हैं सरगम के जरिए कवाली में गिरा लगाना। को कर बुलंद इतना
खुदी को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अल्लाह 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 माशाल्लाह जी माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह जबरदस्त जबरदस्त शिजाद साहब आपने तो कमाल कर दिया। बहुत शुक्रिया आदिल भाई, थैंक यू वेरी मच, आपका शुक्रिया और उन सबसे इनका इनका शुक्रिया इन्होंने साथ दिया मेरा हमजा भाई ने। नहीं हमजा साहब का माशाल्लाह जैसे मैंने सुना था बिल्कुल वैसा ही पाया और इसमें कोई शक नहीं है। और सबसे बड़ी मैं बात ये कहना चाहूंगा कि कोई जैमिंग नहीं है हमारी, हम लाइक फर्स्ट टाइम मैं उनके साथ प्ले कर रहा हूँ। Really? और कमाल ही बजा रहे हैं ये लाइक। अच्छा माशाल्लाह, कोई जैम नहीं है हमारा लाइक, हमें वक्त ही नहीं मिला। सो बस ये आपके लिए एक मैं ये भी कहूंगा कि देखने वालों के लिए भी एक तोहफा ही है कि इंस्ट्रूमेंट बहुत खूब बहुत खूब माशाल्लाह जबरदस्त जबरदस्त बहुत शुक्रिया। तो शिजाद साहब आप ये जो इंडिया गए थे तो वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था, ये जो सारेगामा पा आपने शो किया था उस टाइम? तो मेरा ख्याल सारेगामा था पा नहीं था आगे, नेपाल भी था। अच्छा पा भी था। ये सारेगामा वैसे थोड़ी सी इसकी तफसील बताएं, ये क्या है सारेगामा पा जो मुझ जैसे बिल्कुल नादान है ये मुसीकी के हवाले से? और सारेगामा तो आप देखते ही हैं जैसे इंडियन आइडल है उसमें से कितने कितने अच्छे लोग निकले हैं, उसी तरह फिर पाकिस्तानियों को हमेशा से सारेगामा वालों ने हमेशा बहुत सपोर्ट किया है। सिर्फ उसी चैनल है जी टीवी, उन्होंने मुझे मौका दिया था, स्पेशली गुलाम अली साहब ने मुझे लाइक ऑडिशन किया था और बहुत प्यार करते हैं हमारे बुजुर्गों की तरह हैं वो, बहुत बहुत लाजवाब लोग हैं। सो उन्होंने मुझे मौका दिया ऑडिशन देने का, तो साहर अली बग्गा हैं और उनकी सारी टीम ने, तो उन्होंने आमिर गुलाम अली साहब जो उनके बेटे हैं गुलाम अली साहब के, सो और जी टी वी की भी कुछ टीम थी वहाँ जो सब मौजूद थे। सो ऑडिशन का मौका मिला और तो फिर मैं चला गया वहाँ, तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं तो इसको इसी तरह देखता हूँ कि आदिल भाई हमें एक मुकाबले से हट जाए तो बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत बहुत ऐसे लोगों को देखने का मौका मिला जिनको हम सिर्फ स्क्रीन पे देखते हैं लाइक सेलिब्रिटीज जो हमारे फेवरेट होते हैं, तो फिर उनके साथ भी गाने का मौका मिला, उनको सुनाने का मौका मिला और इकट्ठे काम करने का भी मौका मिला। सो ये इट वॉज अ वेरी यू नो आई वुड से इट वॉज अ वंडरफुल थिंग यू नो एवर हैपेंड टू मी, सो मेरे लिए बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो पाकिस्तान में और वहाँ में फर्क क्या है हमारी मौसीकी और वहाँ की इंडिया की मौसीकी में? अदिल भाई सच तो ये कि सुर तो वही है, 12 सुरों पे पूरी दुनिया की मौसीकी है, मौसीकी में कोई फर्क नहीं है, स्टाइल बदल जाता है। सो इंडिया पाकिस्तान की गायकी में यही है कि कोई फर्क ही नहीं है, वो सेम है, वही 12 सुर हैं, वही पंजाब है, वही सिंध है, वही महाराष्ट्र है, वही यूपी है, वो सेम है म्यूजिक, कोई फर्क नहीं है, थोड़ा अंदाज बदल जाता है लेकिन माशाल्लाह हमारी म्यूजिक एक है, तो कोई ऐसा डिफरेंस लगा ही नहीं कि उनका डिफरेंट, क्योंकि उनका जो ज्यादा है क्लासिकल म्यूजिक जो है वो बहुत रिच है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, और तो उस पे उसी फॉर्मेट पे हम हमारे पाकिस्तानी भी जो म्यूजिक है हम उसको उस पे काम करते हैं। तो आपको सबसे ज्यादा एप्रिसिएशन किस चीज पे मिली वहां पे इंडिया में? सॉरी आपको सबसे ज्यादा एप्रिसिएशन किस चीज पे मिली, कौन से गाने पे ऐसे जो, और किस आर्टिस्ट की तरफ से? हाँ जी मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगा दिल भाई के ये गाना मेरी जिंदगी का बड़ा फेवरेट रहा है खमाज, ये मेरी सेकंड परफॉर्मेंस थी वहाँ और लकीली आशा भोसले जी वो जज थी वहाँ एज अ महागुरु, सो उनको मुझे गाना सुना के और दाद लेने का मौका मिला, तो इट वाज लाइक इट वाज अ बिग थिंग फॉर मी एंड मैं कहूँगा कि इट वाज लाइक अ ड्रीम केम ट्रू, सो बड़ा अच्छा रहा। तो बल्कि ये मैं सुनाना भी चाहूंगा अपने जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, मैं चाहता हूं कि ईद का मौका है कि 4-5 गाने अच्छे सुनाए जाएं, आपको बातें कम की जाएं क्योंकि हमें सुनने वाले भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल, और
अपने दोस्तों के लिए, ये जो ग्रुप के तमाम मेंबरान हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप अपनी फरमाइश पे कोई गाना सुनना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में लिखिएगा। तो आज हम आपके साथ ईद मना रहे हैं। मैं तो पढ़ नहीं पा रहा कि मुझे तो नजर नहीं आ रहा, कमेंट्स अच्छा आपके अच्छा अच्छा नजर आ रहे हैं जी जी तो, लेकिन और इसके अलावा ग्रुप में जो भी दोस्त हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, मैंने ये लिंक शेयर किया हुआ है, प्लीज इस पे क्लिक करें और आप हमसे बात कर सकते हैं, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और आपकी फरमाइश पे हम आज बैठे हैं इधर। जी प्लीज शुजा साहब। जी बहुत शुक्रिया। रे सावन भी तो जाए तेरे बाद, सावन भी तो जाए तेरे बाद, मन मेरा घबराए, मन मेरा घबराए, ऐसो परदेस पिया तुम, ऐसो कहे परदेस पिया, चैन हमें नहीं आए, चैन हमें नहीं आए, मोरा सिया मौसे बोले ना, मोरा सिया मौसे बोले ना, मैं लाख जतन करारी, लाख जतन करारी, मोरा सिया मौसे बोले ना, मोरा सिया मौसे बोले ना। प्यार तुम्हें कितना करते हैं, प्यार तुम्हें कितना करते, तुम ये समझ नहीं पाओगे, तुम ये समझ नहीं पाओगे, तुम ये समझ नहीं पाओगे, जब हम ना होंगे तो प्यार बा, जब हम ना होंगे तो प्यार बा, बोलो क्या तब आओगे, बोलो क्या तब आओगे, मोरा सिया मौसे बोले ना, मोरा सिया मौसे बोले ना, ओ मैं लाख जतन करारी, लाख जतन करारी, लाख जतन करारी, मोरा सिया मौसे बोले ना, मोरा सुनिया मौसे बोले ना, ना मैं ना मेरे
तेज बुझे नहीं जाना पर जिस राजे संग सांस जुड़ी वो राजा है उस देश रे मैं नहीं जाना खेड़िया देना ओ मैं नहीं जाना खेड़िया देना ओ मैं नहीं जाना खेड़िया देना ओ राजा राजा कर दी मैं इत्थे आपे राजा हुई सदो नी मैनू दी दो राजा ते ही ओ मैं नहीं जाना खेड़िया देना ओ मैं नहीं जाना खेड़िया देना ओ मैं नहीं जाना ओ मैं नहीं जाना खेड़िया Thank you very much. Adil bhai, आपका वोकल म्यूट है, म्यूट पे हैं आप जी। जबरदस्त शुजात भाई, वो मुझे एक मैसेज आया था इधर प्राइवेट में, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि इन्होंने क्या लिखा, तो अब मैं आपसे अपनी फरमाइश पे उस्ताद नुसरत साहब का कोई गाना सुना दें हमें। जी मैं बिल्कुल सुना देता हूँ अभी आपको। दिशा मान लें आप बड़ा खूबसूरत गाना है, मुझे बड़ा पसंद है, सांसों की माला। सांसों की माला सुनाने लगे हैं और मेरे बेटे को पसंद है जी, मेरे रश के कमर, ये फरमाइश आ चुकी है हमें। मेरे बेटे का नाम है जी राहील एहसान, मेरे रश के कमर, राहील एहसान, तो राहील साहब की फरमाइश है मेरे रश के कमर आपने सुनाना जी। उनके लिए बिल्कुल सुना दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू, थोड़ा सुना दूंगा। सांसों की माला पे सिमरू मैं पी करना सांसों की माला पे सिमरू मैं पी करना अपने मन की मैं जानू अपने मन की मैं जानू और पीखे मल की ना सांसों की माला पे सिमरू मैं पी करना सांसों की माला पे सिमरू मैं पी करना अपने मन की मैं जानू अपने मन की मैं जानू और पीके मल की रात सांसों की माला पे सिमरू मैं पी करना सांसों की माला पे सिमरू मैं पी
प्रेम के रंग में ऐसी डूबी बन गया एक ही रूप बन गया एक ही रूप प्रेम की माला जपते जपते होगी मैं बदनाम सांसों की बाधा पे सिमरूं मैं सांसों की बाधा पे सिमरूं मैं भी करना दीवान की नजरों को जहां देख रहा है दीवान की नजरों को जहां देख रहा है दीवान की नजरों को जहां देख रहा है ये दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है सांसों की बाधा पे सिमरूं मैं भी गाना सांसों की बाधा पे सिमरूं मैं भी गाना प्रीतम का कुछ दोष नहीं है वो तो है निर्दोष वो तो है निर्दोष अपने आप से बातें करके हो गई मैं बदनाम सांसों की बाधा पे सिमरूं भी गाना सांसों की बाधा पे सिमरूं मैं भी गाना जबरदस्त क्या बात है शिजाद भाई। तो ये जी राहिल एहसान साहब है, ये भी आपसे कोई फरमाइश करेंगे जी। कौन सा गाना सुनना में बेटर है? जी मैं भी सुनाता हूँ, इतना प्यारा माशाल्लाह बच्चा। तो राहिल के लिए स्पेशली मैं सुनाऊंगा ये डिफरेंट मान रहे मेरे रश के कमर तूने पहली नजर मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया मेरे रश के कमर तूने पहली नजर मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर मजा आ गया अब ऐसे लगाई मजा आ गया मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया बेहिजाबाना
जवानी से टकरा गई आंखों की लड़ियों मेरी आंख से, आंखों की लड़ियों मेरी आंख से देख कर ये लड़ाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर मिलाई मजा आ गया। पर किसी के गई काम ही कर गई, पर किसी के गई काम ही कर गई। अब ऐसी लगाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। जब नजर से मिलाई मजा आ गया, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। जब नजर से मिलाई मजा आ गया। जबरदस्त जी, माशाल्लाह, क्लैप। थैंक यू राहिल, इट्स फॉर यू, इट वाज फॉर यू मैन। अच्छा सर, ये हमारे दोस्त हैं शिराज साहब, शिराज अहमद साहब, ये राहत फतेह अली खान साहब का कह रहे हैं जी के कोई अच्छा सा कोई गाना आप जो भी सुना सकें। तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा। तू दिल तो यू जान मेरी, मैं तेनु समझावा कि ना तेरे बाजू लगेगा जी। तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा। तू दिल तो यो जान मेरी, मैं तेनु समझावा कि ना तेरे बाजू लगेगा जी। मेरे दिल बिच रह के मेरे दिल का हाल न जाने, तेरे बाद कल्यारे रोते नैन भी माने। जीना मेरा होए, मरना मेरा नाल तेरे सी। करत बार मेरा, मैं करूं इंतजार तेरा। तू दिल तो यो जान मेरी, मैं तेनु वे चंगा नहीं कीता बीबा, वे चंगा नहीं कीता बीबा। दिल मेरा तोड़ दे, वे बड़ा पछताया का, बड़ा पछताया का। तेरे नाल जोड़ के थैंक यू भाई, क्या बात है सर, क्या बात है। अच्छा, मैं अपने आप को बहुत बड़ा सिंगर समझता था, आपस की बात है किसी को बताइएगा ना, लेकिन आज के बाद मैंने फैसला कर लिया कि अब मैंने गाना गाना छोड़ देना। नहीं, ऐसी बात नहीं जी सर, आप
बिल्कुल गाएं, और गाना चाहिए इंसान को, क्योंकि इंसान हर इंसान की एक फितरत में होता है गाना। लेकिन डब्बे में बैठ के मुझे बड़ा मजा आता है। तो ये बहुत ही प्यारा बच्चा है माशाल्लाह, अल्लाह इसको जिंदगी दे। अच्छा शिजा साहब, ये जो आजकल के गाने हैं, कोई भी जो आजकल चल रहे हैं मार्केट के, जी जी, चाहे बॉलीवुड हो चाहे लॉलीवुड हो, जी जी मैं बिल्कुल सुनाता हूँ इसी स्केल में। पाकिस्तानी हो जाए तो ज्यादा बेहतर है फिर, इंडियन तो नहीं जी। पाकिस्तानी गाने हमारे सिंगर्स ने गाए तो ये पाकिस्तानी हो गए, उधर जाके माशाल्लाह उन्होंने अपना इतनी अच्छी छाप छोड़ी है कि ये तो सारी दुनिया ही गाती है। सो मैं पाकिस्तानी सिंगर्स के गाने इसलिए गा रहा हूँ क्योंकि ये पाकिस्तानी है, तो हमारे ही गाने हैं। कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले, बाकी यारियों 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 में हो देना फासले। ऐ नाराजगी कागदी सारी तेरी, मेरे सोने सुन ले मेरी दिल दिया गल्ला। करांगे नाल नाल बहके अख नाल अख नू मिला ले दिल दिया गल्ला। करांगे रोज रोज बहके सच्चिया मोहब्बता निभाके, सताए मैनू क्यों रुलाए मैनू क्यों, ए भी झूठे मोटे रुस के रुसा के दिल दिया गल्ला। करांगे नाल नाल बैके अख नाल अख नू तेनू रखा तो बचा के रखा अखा ते सजा के, तू है मेरी वफा रख अपना बना के, मैं तेरे लिया तेरे लिया यादा ना पावी कभी दूरियां, मैं जीना हाँ तेरा जबरदस्त जी, जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात है शिजाज साहब। ये जिस लेवल पे माशाल्लाह शिजाज साहब आप हैं, ये कितना टाइम लगता है इस लेवल पे पहुंचने के लिए, और ये कब से आपकी रिहर्सल वगैरह रियाज ये कब से चल रही है? अनिल भाई इसके लिए तो जिंदगियां खत्म हो जाती हैं, हम तो कुछ भी नहीं है, ये तो बस कोशिश करते हैं कि जो भी गाना गाए सुर में गाए, सुर में होना चाहिए गाना, और बस ये अल्लाह की मेहरबानी से होता है और आपकी मेहनत से होता है, तो हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं। अभी तो हम वो कहते हैं ना आटे में नमक के बराबर भी नहीं, अभी तो बहुत दूर, अभी तो मंजिल दूर है। लेकिन ये दिन सारा दिन ये कितने घंटे आपकी रियाज जारी रहती है? जी रियाज तो खत्म ही नहीं होता, ये तो सोते जागते उठते बैठते चलता रहता है, तो अगर आप इसमें रहेंगे तो फिर ही ये आपके हाथ आएगी। ऐसी चीज है जिसको सुर बोलते हैं म्यूजिक, तो ये इट्स नॉट एन इजी थिंग। जैसे आजकल कोई भी
जैसे भी लाइक ठीक है, गिफ्टेड तो होता ही है इंसान, मतलब देता भी है तो, लेकिन इसके लिए रियाजत बहुत जरूरी है, बहुत मेहनत की जरूरत दरकार है। सो मैं यही सुनने वालों को यही कहूंगा कि जितने हमारे सुनने वाले हैं, जेम्स बॉन्ड भी आ चुका है, तो जितने भी हमारे सुनने वाले लोग हैं वो बिल्कुल इसको सीख कर करें, सीख कर करेंगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ये आपको करना पड़ता है। क्या क्या लगता है कुछ हमजा भाई, आप भी बोले अपने बारे में बताए। हमजा साहब कौन से शहर से बिलोंग करते हैं? मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, लाहौर से हैं। और शिजाद भाई आप? जी मैं भी लाहौर से हूँ। सही है। पीछे से हम जो हमारे जब माइग्रेट किया हमारे फोर फादर्स ने, तो वो शाम चौरासी के थे, वो डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर एक जगह है इंडिया में, तो वहाँ से फिर माइग्रेट किया तो फिर पाकिस्तान ही आ गए। तब मैं तो खैर लाहौर के ही हूँ, लाहौर में ही मेरी पैदाइश है। थोड़ा सा हमारे सुनने वालों के लिए, आपके खानदान के माशाल्लाह वैसे तो बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन अपने मुंह से जरा बता दें। जी मेरे बिल्कुल खानदान वाकई उस्ताद सलामत अली खान, उस्ताद नज़ाकत अली खान मेरे ग्रैंडफादर्स हैं, वो उस्ताद शराफत अली खान मेरे फादर हैं, उस्ताद शफकत अली खान मेरे चचा हैं, जो माशाल्लाह आप कह सकते हैं कि जिनके हाथ में दौर है हमारे घराने की, माशाल्लाह वो लीडर हैं हमारे घराने के, हमारे उस्ताद भी हैं। मेरे माँ ने ये बता दे तो जिनका बहुत फेमस भी हुआ तू कुजा मन कुजा, वो बहुत ही, वो भी मेरे मामू हैं, तो पूरा घराना ही है हमारा माशाल्लाह मौसीकी में, और अल्लाह की मेहरबानी है। शिजाद भाई आपने शफकत साहब का नाम लिया, मेरे माँ ने ये बता दे तू। हाँ जी, वो भी शफकत है, वो भी शफकत अमारत अली खान साहब है, वो पटियाला घराना से है, वो भी हमारे अच्छा। अपना हमारे अपने ही है। So, मैं उनका आपको गाना सुनाता हूँ। मेरे मन ये बता दे तू किस ओर चला है तू, क्या पाया नहीं तूने, क्या ढूंढ रहा है तू, जो है अनकही जो है अनसुनी वो बात का है बता, मितवा कहे धड़कने तुझसे क्या, मितवा ये खुद से तू ना पूछ पा, शायद इंटरनेट भी इतनी ज्यादा सुर में आवाज बर्दाश्त नहीं कर सका, तो खान साहब जो है वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। और पाकिस्तानी जिन पुर्तगाल, आप सबका क्या हाल है, आप सब कैसे हैं, कैसे मना रहे हैं ईद, कुर्बानी वगैरह हो गई है?
आंखों के दरिया। हिरा साहब आपकी फरमाइश पे अभी सुनते हैं जनाब हम, लेकिन मैंने ये आगे पढ़ा नहीं था, मैं समझा शायद आपने लिखा है कि कोई भी सॉन्ग सुना दें। आपने आगे लिखा हुआ तेरे आंखों के दरिया, ये कौन सा सॉन्ग है जनाब? आपसे ही ना सुन लें शिराज साहब।